नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, इसके बाद आ रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, इसके बाद आ रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बीएड के माइक्रो टीचिंग में अलग अलग क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी वीडियो अलग से पहले ही डाल चुके हैं। और उन क्वेश्चन के अंदर प्रस्तावना क्वेश्चन पे कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाओ हिंदी सब्जेक्ट की, तो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जब यहाँ पे कोई डेमो देने आता है क्वेश्चन का किसी का भी, तो मैं बता देता हूँ कि कुछ कमेंट आ रहे थे कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मेंटेन करना है। आपको भले ही कोई सा क्वेश्चन हो, सबसे पहले बोर्ड मेंटेन करना है, फिर आपको सोचना है आपका कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब बोर्ड मेंटेन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, प्रस्तावना क्वेश्चन। आपने लिख दिया प्रस्तावना, बोर्ड के इस साइड मैंने आपको पहले बताया था क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। आज दिनांक क्या है, 11 सितंबर 2018। इसके नीचे आप लिखते हो विषय, विषय हम आज करेंगे हिंदी। कौशल के नीचे लिखते हैं प्रकरण, मैंने आपको बताया था प्रकरण को क्या करना है, अंडरलाइन। इस साइड लिखते हैं कक्षा, कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हो, सिक्स्थ क्लास को आप पढ़ा रहे हो, कालांश कौन सा पीरियड चल रहा है, मान लीजिए थर्ड चल रहा है। अगर आप ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हो थर्ड, तो ये आरडी लगाने की जरूरत आपको नहीं होती। इसके नीचे आता है समयावधि, ये कालांश कितने समयावधि का है, समय अवधि। तो ये जो कौशल होते हैं, हर कौशल कितनी देर के होते हैं, 5 से 7 मिनट। मैंने आपको बताया माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है, माइक्रो कम समय में, सीमित समय में, सीमित बच्चों के सामने अपने क्वेश्चन का व्याख्यान देना, क्या है माइक्रो टीचिंग। जब आप बात करते हैं प्रस्तावना क्वेश्चन की, तो प्रस्तावना क्वेश्चन में आते ही क्या है, अपने प्रकरण यहाँ पे नहीं लिखना होता। प्रस्तावना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, प्रस्तावना क्वेश्चन क्या होता है कि आप आते हो बच्चों से रूबरू होते हो, बच्चों से आपको क्या करने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन, बच्चों के इस टॉपिक से संबंधित नहीं जो आप कराने जा रहे हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो देखते हैं आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक में बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको वहां पे बोर्ड पे नहीं लिखने हैं। बोर्ड पे इसलिए लिख दूंगा, मैं भी आपको सुनने में परेशानी आए, लेकिन आप बोर्ड पे देख लेना और अपनी डायरी मेंटेन उसी हिसाब से कर लेना, क्योंकि साथ साथ डायरी मेंटेन भी सिखा रहा हूँ। डायरी मेंटेन के अंदर आपको लिखना होता है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, कि आपको टॉपिक नहीं बता रहा, टॉपिक पहला पर्सन, कि अपने को शिक्षा किसके माध्यम से प्राप्त होती है, या शिक्षा लेने के लिए किसके पास जाना पड़ता है। इस तरह का आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन वन, हमें शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ये क्या है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ये प्रश्न बच्चों को इसका उत्तर पता होगा, बच्चे झट से आपको क्या बता देंगे इसका आंसर, कि या तो गुरु या फिर शिक्षक। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, गुरु या शिक्षक। हमें शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गुरु या शिक्षक। क्या होता है प्रस्तावना कौशल के अंदर, 5 से 6 क्वेश्चन आप बच्चों से पुट कीजिए, 5 क्वेश्चन आएंगे, जो आंसर आ रहा है उस आंसर का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उपयोग करना है। इसी तरह टोटल 5 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या होता है, समस्यात्मक, वो बच्चों को नहीं आता, वो हमारा क्या होता है, प्रकरण होता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या कहा, पूर्व आंसर का उपयोग करना है, यानी कि गुरु और शिक्षक का उपयोग करना है। शिक्षक हमें कहां मिलते हैं, ये क्या आ गया, ये आ गया व्यक्ति, ये किससे संबंध आ गया, व्यक्ति से। आप बच्चों को इसका अलग से बता सकते हो, व्यक्ति से। शिक्षक हमें कहां मिलते हैं,
तो ये भी आपको बच्चे बता देंगे कहां मिलते हैं शिक्षक, अपने को पता है विद्यालय, विद्यालय यानी कि ये आप बच्चों को बता सकते हो किसका आ गया स्थान का। शिक्षक व्यक्ति का बोध करा रहा है, विद्यालय स्थान का बोध करा रहा है। शिक्षक हमें कहां मिलते हैं विद्यालय में मिलते हैं, ये बोध आ गया स्थान का। अब क्या है आप विद्यालय को क्वेश्चन में पुट करोगे, क्वेश्चन थ्री, विद्यालय जाते समय कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आप बच्चों से पूछोगे कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है हमें जब पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय, तो आपको बच्चे इसका आंसर भी दे देंगे। क्या देंगे आपको, पेन, पेंसिल, स्लेट, जो भी आपको आंसर देंगे आप उन बच्चों को ये बता दोगे ये किस चीज का हमें बोध करा रहे हैं, ये हमें बोध करा रहे हैं वस्तु का। अब अपने ये तीन क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले के अंदर पूछा शिक्षा किसके द्वारा प्रदान होती है, शिक्षा होती है गुरु के द्वारा यानी कि व्यक्ति का बोध करा रहा है। शिक्षक कहाँ मिलते हैं, गुरु कहाँ मिलते हैं, विद्यालय के अंदर, विद्यालय स्थान का बोध करा रहा है। विद्यालय जाते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पेन, पेंसिल, रबर कटर जो भी है, वो किस चीज का बोध करा रहे हैं अपने को, वस्तु का। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करना है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उन शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराए उनको क्या कहते हैं। अगर बच्चे आंसर दे देंगे, यह अगर प्रकरण होता सिक्स्थ क्लास का, बच्चे आपको आंसर नहीं देते, आप इसको लिख देते समस्यात्मक। अगर ये प्रश्न सेवंथ क्लास का होता तो बच्चे आपको बता देते क्या इसका आंसर, बता देते संज्ञा, इसका आंसर क्या है संज्ञा। तो अगर ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप डायरेक्ट समस्यात्मक लिखाओगे, डायरी के अंदर नोट करोगे उद्देश्य कथन, आज हम संज्ञा के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया सिक्स्थ क्लास का टॉपिक। अगर आप बड़ी क्लास के लिए आप टॉपिक तैयार कर रहे हो सेवंथ एट्थ नाइन्थ के लिए, तो आप लिखोगे संज्ञा, बच्चे बोलेंगे तो संज्ञा के भेद और परिभाषा इसके बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं जानते, तो आप यहाँ पे प्रकरण में क्या लिखोगे संज्ञा के भेद एवं परिभाषा, यानी कि संज्ञा के भेद एवं परिभाषा या संज्ञा के भेद, आप जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको आप कर दीजिए अंडरलाइन। ये हो गया अपना प्रस्तावना क्वेश्चन। स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले बच्चों को गुरु ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछना है, हमें शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गुरु के द्वारा या शिक्षक के द्वारा, ये व्यक्ति का बोध करा देगा। शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं विद्यालय में, ये बच्चों को बता देना, स्थान का बोध करा देगा। विद्यालय जाते समय कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पेन, पेंसिल, स्लेट, ये वस्तु को बोध करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा, तो इसको क्या लिख दोगे आप डायरी के अंदर समस्यात्मक, और उसके बाद आप बता दोगे कि उनको कहते हैं संज्ञा। आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।